वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेल्स ब्लॉग एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज मैं ट्रेवल कर रहा हूँ गोलाघाट से गुवाहाटी। टुडे इज 21st of July और 22 तारीख से असम में 2 अगस्त तक इंटर डिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन बंद करके रखा है बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 सिचुएशन। तो इसीलिए ऑफिस का काम निकल सकता है, तो मैं गोलाघाट से जा रहा हूँ गुवाहाटी जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। अभी फिलहाल हूँ मैं काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। अभी अभी मैंने जो बुरियाई थान है वो क्रॉस किया है। अकेले गाड़ी चला के जाना बहुत बोरिंग होता है भाई, बहुत बहुत बहुत, इट्स टू बोरिंग। रोज बहुत ही अच्छे हैं बट अकेले चलाने को रियली बहुत कंटाल आता है। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि कार में अकेले, क्योंकि बाइक होता तो ज़्यादा मज़ा आता ना, बिकॉज बाइक इज़ मोर एंगेजिंग और झुक झुक करके निकलने मज़ा भी आता है। बट बारिश आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में तो जब भी देखो मुँह उठा के कभी भी बारिश चालू हो जाती है। इसमें एक दो बूंदे गिरी भी थी बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो बारिश नहीं हुआ है। पर क्लाइमेट इज़ रियली गुड एज यू कैन सी। बट जो दुख मुझे हुआ आज, मतलब आने के टाइम पे, कि जो फ्लड सिचुएशन है असम में बहुत पेनफुल है। अभी आप देखोगे कुछ छोटे छोटे झोपड़ियाँ हैं जो सड़क के किनारे बने हुए हैं। दीज आर द पीपल हु गॉट डिस्प्लेस्ड बिकॉज ऑफ फ्लड। ये देखो, ये लोग, इन लोगों का घर जो है पानी में डूब चुका है। पीछे देखो बहुत ज़्यादा है, मैं पूरा वीडियो नहीं कर पाया क्योंकि शाम को 6 बजे गुवाहाटी में फिर कर्फ्यू लग जाएगा और मुझे पहुंचना है उससे पहले। कैन यू इमेजिन, हर साल अपना घर डूब जाता है और जब तक बाहर ख़त्म नहीं होता तब तक आके आप लोग सड़क के किनारे ऐसे तिरपाल डाल के मेकशिफ्ट हाउस बना के रहो। क्या करें, अब जब भी देखो यार, जो बीच में अभी एक लहर आया था ब्लैक लाइफ मैटर्स, यार नॉर्थ ईस्टर्न इवन एसएमईज लाइफ मैटर्स टू। उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे सरकार ना बजट नहीं बनाते। नेक्स्ट सेशन बजट के लिए मैं तो मेरे गवर्नमेंट को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ना ये बॉलीवुड स्टार वालों के लिए भी एक बजट बनाओ, उनको भी पैसा दो, क्योंकि बिना पैसे लिए वो लोग कैंपेन तो रन करेगा नहीं, ये बिना पैसे के तो ट्वीट करेगा नहीं अपना ट्वीट क्या ट्विटर हैंडलर से। और एक दूसरा आइडिया जो मेरे मन में आया, थोड़ा फनी सा है, जो एरिया जहाँ पे ये फ्लडिंग हो रहा है, इट्स बिन हैपनिंग सिंस 1950। ये हमारे आसाम से एक एक्टर है, बहुत ही अच्छा उम्दा एक्टर जो बॉलीवुड में एक्टिंग करता है, उनका नाम है आदिल हुसैन। वो बंदा BBC में आया था, वो सेइंग कि 1950 में एक अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से ना जो ब्रह्मपुत्र का भूतल है वो ऊपर आ गया फ्यू मीटर्स, जिसकी वजह से बाढ़ आता है। मैं जो सोच रहा था अभी आने के टाइम पे कि ऐसा कर सकते हैं, जहाँ पे हर साल पानी आता है अपने को तो मालूम ही है, वहाँ पे लेट्स मेक ह्यूज रिजर्वर्स लाइक फिशरी। और वहाँ पे जो जिन लोगों के घर जमीन पे लोगों ने बना रखा है, वहाँ पे उन लोगों को बना के देते हैं अपन बोट हाउसेस। तो हर साल पानी आएगा, एंकर डाल के बोट हाउसेस बना के दो, मस्त पानी आएगा तो घर अपना ऊपर चला जाएगा। एंकर लगा के रखो, आपका बोट हिलेगा नहीं, सूख जाएगा पानी तो अपना बोट नीचे चला जाएगा। और प्लस जिनका जितना एरिया है उतना एरिया आप नेट से कवर कर दो और वहाँ पे आप डक फार्मिंग करो, इफ पॉसिबल है, जो क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड जो फिश फार्मिंग वगैरह करते हैं चाइना में, उस टाइप का नेट डाल के वो तिलापिया वगैरह का फार्मिंग करो आप।
बट ये चीज़ पता नहीं ये पॉसिबल, मेरे को तो लगता है हो पाएगा, क्योंकि मैंने जो देखा है चाइना वगैरह में जो नेट में यू नो कॉन्सेंट्रेटेड फार्मिंग करते हैं, वो तो वैसे ही करते हैं। अगर जो मेरे व्यूवर्स हैं जो असम से हो या बाहर से हो, आपको लगता है इससे अलग दूसरा अगर कुछ है तो, मतलब तरीका जिसके थ्रू हम असम का जो यू नो फ्लड सिचुएशन है उसको कुछ हद तक हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, प्लीज़ भाई लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। और प्लीज़ थोड़ा देखो यार, 1950 से एक स्टेट है जो बार बार हर साल सफ़र कर रहे हैं, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दो सो डेट यू नो अवेयरनेस बढ़े लोगों के बीच में। बाय द वे ये बुरा पहाड़ है जो ख़त्म हो चुका है, और मैं भी वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, जल्दी पहुँचना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर। अडियोस गाइस, बाय।